नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निस्वार्थ ज्ञान पर। आप सभी लोग जानते हैं कि 20 सितंबर 2024 को पड़ रही है शुक्रवार तृतीया तिथि। दोस्तों, यह जो शुक्रवार है अश्विन माह में पड़ने वाला सबसे बड़ा शुक्रवार है, क्योंकि भाद्रपद महीने के बाद अश्विन माह का शुक्रवार तृतीया तिथि पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शुक्रवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह सात दूर्वा वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस अश्विन के पहले शुक्रवार तृतीया के दिन आप लोगों को इस सात दूर्वा वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन सात दूर्वा वाले उपाय को ना। दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 20 सितंबर 2024 के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस अश्विन माह के शुक्रवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आप आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस अश्विन माह के शुक्रवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह अश्विन माह के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस सात दूर्वा वाले उपाय को हमें इस शुक्रवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो विशेष महत्व होता है, और जब बात आ जाए सात दूर्वा की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शुक्रवार का। तो अब दोस्तों, इस सात दूर्वा वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने ने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस सात दूर्वा वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों,
इस लंग वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, हमें शिवलिंग के पास में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर में करोगे तो अच्छा रहेगा, घर पर नहीं करना है। इस वाले उपाय को उसके बाद में। दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस सात दूरवा वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 68 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु शुक्रवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, इस वीडियो में जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे सभी उपाय सरल है। देखो, गुरुजी ने कहा है कि शुक्रवार के दिन आपको 7 दूरवा वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। वीडियो के अंतिम में आपको उपाय बताया है जो आपको करना है। देखो, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखो, सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले है दूरवा। दूरवा आप जानते हो, जो कि भगवान गणेश जी को समर्पित होती है, तो आपको वह दूरवा की आवश्यकता होगी। साथ ही में एक लोटा जल की आवश्यकता होगी। और आप जब भी उपाय को करें, जी दिन भी आपको करें, तो आपको प्रातः कल सुबह सुबह ही सुबह वह करना है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो आपको एक दूरवा लेनी है। अगर आधा दूरवा भी मिल जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको दूरवा लेनी है। अगर ज्यादा ना मिले तो उसे स्थान पर एक दूरवा भी ले सकते हैं। दूरवा आपको आसानी से कहानी पर भी मिल जाएगी, बस याद रखिएगा शुद्ध दूरवा, और मतलब उसे शुद्ध करके ही उपयोग में लीजिएगा, है ना? तो आपको करना क्या है, एक दूरवा या एक से ज्यादा भी दूर हुआ आप लोग ले सकते हैं, तो एक दूरवा अपनी ले लीजिए। एक दूरवा के साथ में आप एक लोटा जल ले लीजिए और इन दोनों ही चीजों को लेकर शिवाजी के मंदिर पहुंच जाइए। शिवाजी के मंदिर पहुंचकर सबसे पहले आप शिवाजी के पास में बैठ जाइए। शिवाजी के पास में बैठने के बाद जो शिवाजी की शिवलिंग होगी, शिवलिंग की ऊपर सबसे पहले आपको यह दुर्भाग्य को समर्पित करना है। दूरभाग को कुछ इस प्रकार से समर्पित करना है कि जो दूरवा की दांडी का मुख होगा वह जलधारी की तरफ हो, जहां से जल नीचे करता है, है ना? और जो दूरवा का मिला हुआ भाग होगा वह अपने आप शिवाजी के पीछे की तरफ हो जाएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से यह दुर्भा का यह दूरवा आपको भगवान शिव जी का शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है। और जो एक लोटा जल आप अपने साथ लेकर आए हैं, इसी दूर के ऊपर भगवान शिवाजी की शिवलिंग के ऊपर एक धारा से आपको समर्पित कर देना है, ठीक है? अब यहां पर देखने बात यह है कि यह उपाय इस व्यक्ति को करना है,
जी व्यक्ति की नौकरी एन ग रही हो, जो व्यक्ति परीक्षा में पास होना चाहता हो, तो इस व्यक्ति को अपने हाथों से इस उपाय करना है, तभी उपाय कम करेगा। ठीक है, इस उपाय को करने के बाद आपको 3 महीने उपाय आपको कब तक करना है? जब तक कि आपकी नौकरी नाक जाए। जब तक आप इस उपाय को नियम के साथ करो, आपकी नौकरी जरूर लगेगी। अब बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में। तो देखिए, दूसरे उपाय जो है, देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि 2 फूल वाली लौंग लेनी है। साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखें, यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो वह सबसे पहले तो आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग हैं, उन्हें आपको शहद के अंदर अच्छे से डुबो है, यानी कि दोनों लौंग पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब आपको जो आपके पास एक लौटा जल है, सबसे पहले तो उसे शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभयम इसका जाप करते हुए समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है शहद से, उसे आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो रोग की स्थिति है वह समाप्त हो, जीवन के जो संकट और समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो, जीवन से जो कर्ज की समस्या है वह समाप्त हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह जो 2 फूल वाली लौंग ही शहद संयुक्त, इससे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। आपकी जो भी समस्या होगी इस शुक्रवार के दिन अवश्य ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको पहला उपाय करना है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, देखो, यह उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इसी के साथ मैं आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग हैं, उनमें से पहला जो हरा मूंग है, आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है, वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इसका जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है, वहां पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है, यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नम शिवाय या फिर श्री गणेशाय नम इसका जाप कर लेना है। तीसरा हरा मूंग का दान आपको भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिव की जो जलाधारी होती है, जहां से जल बह करके आता है, उसी जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति के रूप में, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय इसका जाप कर लेना है। अब दोस्तों, चौथा जो हरा मूंग है, उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहां पर आपको यह चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इसका जाप कर लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो पांचवा और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है, उससे आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल श्री शिवाय नमस्तु भयम इसका जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर, यदि आप अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हैं, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि ज्ञान और विवेक के लिए उपाय कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं, या फिर अपने इंटरव्यू के लिए, या फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। जिस भी कामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं, उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, तो यकीन मानिए, आपके जीवन की जो सारे संकट, कष्ट और बाधाएं ही, वह सभी समाप्त होंगे।
अब हम बात करते हैं अगले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। दीपक के अंदर गोल बाती का प्रयोग करना है और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ मैं आपको मात्र एक फूल वाली लौंग लेनी होगी। अब यह एक दीपक और एक फूल वाली लौंग लेकर के सीधा आपको पहुंचना होगा बरगद के वृक्ष के वहां पर। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है उससे आपको बरगद के वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। देखिए, अगर आपके जीवन में कोई भी बड़ा संकट आने वाला है, कोई भी बड़ा कष्ट आने वाला है, तो वह इस उपाय के माध्यम से दूर होने वाला है। महादेव की विशेष कृपा रहेगी कि जो भी संकट आपके जीवन में आने वाला होगा वह भी दूर हो जाएगा। तो आपको एक लौंग समर्पित करनी है बरगद के वृक्ष की जड़ में, और वहीं पर आपको जो है गोल बाती वाला दीपक जो आप लेकर के गए हैं उससे भी वहां पर प्रज्वलित कर देना है वट केयर करते हुए। देखिए, जब भी आपको जीवन में इस साल लगने लगे कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तब भी आपको ई उपाय करना है। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। देखें, यदि आपके विवाह में, शादी में कोई भी समस्या आ रही है, यदि आपका जो कर्ज है वह दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है, तो आपको यह चमत्कारी उपाय करना चाहिए। कोई भी समस्या अगर जीवन में है तो उसे दूर करने के लिए आपको ई उपाय करना चाहिए। मंगल दोष से जुड़ी हुई समस्या भी है तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको एक छुटकी लाल चंदन लेना होगा। अब आपको क्या करना है कि जो लाल चंदन आपने लिया है उसे आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है, और यह जल्द जो है आपको लाल चंदन से युक्त तैयार कर लेना है, और यह लाल चंदन से युक्त जल आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। लेकिन यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। अब दोस्तों, यह जो लाल चंदन से युक्त जल है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है और आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इसका जाप करते रहना है। देखिए, यदि आपके जीवन में विवाह से युद्ध समस्या चल रही है तो आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है, और जीवन में अधिक कर्ज की समस्या है तो आपको आरण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। देखना, एक दिन आपकी सब तरह की समस्या जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको यह चौथा उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं अंतिम और पांचवें उपाय के बारे में। देखिए, शुक्रवार का दिन है और हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं, तो यह उपाय और भी खास हो जाता है। तो यह जो उपाय है विशेषकर आपको हनुमान जी के वहां पर ही करना होगा। देखिए, जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपके जीवन में जो कर्ज है वह समाप्त ही नहीं हो पा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ाते ही जा रहा है, कष्ट जो है वह दिन प्रतिदिन बढ़ाते ही जा रहे हैं, कष्ट जो है वह समाप्त ही नहीं हो पा रही है, यानी कि जीवन में जब भी कोई विपदा आती है, संकट आता है, तो हमें संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए। लेकिन यह उपाय बहुत ही खास है। इस उपाय के लिए आपको एक चौमुख दीपक तैयार करना होगा। आपको एक दीपक लेना है। दीपक के अंदर चार बात आई। बाती के लिए आपको मोली वाला धागा आता है, कलावा का उसकी भी बना सकते हैं, या फिर आप सफेद रुई की जो बत्तियां हैं उन्हें भी बना सकते हैं। अब आपको लेना है एक कटोरी सरसों का तेल, और अब इस दीपक के अंदर या तो आपको चमेली का तेल डालना है, या फिर जो आपने एक कटोरी सरसों का तेल लिया है उसमें आपको सरसों का तेल डालना है, और इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग भी लेनी है। देखिए, अब जो यह दीपक है और लौंग है, इन दोनों का आपको हनुमान जी के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। अब सबसे पहले तो यह जो चौमुखी दीपक है इसे आपको हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको वहीं पर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, या फिर आप आरण मोचक मंगल स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हैं। अब आपके पास जो एक फूल वाली लोग है उनसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। आपको प्रार्थना करनी है हनुमान जी से कि जीवन की जो भी संकट है, विपदा है, वह सभी आपकी कृपा से दूर हो, और यह जो एक लंग है इससे भी आपको उससे चौमुखी दीपक के अंदर डाल देनी है और अपनी मनोकामना बोल देना है।
गुरु जी कहते हैं कि कुछ दिनों में ही आपकी सब मनोकामना पूरी हो जाएगी, तो इस प्रकार से यह सुंदर सा और सरल सा उपाय करना है। देखो, आज की वीडियो में हमने आपको जितने भी उपाय बताए हैं, सभी उपाय बहुत ही सरल है जो आपको करने हैं। देखना, आपके जीवन के सारे संकट और कष्ट दूर होंगे। और गुरु जी ने कहा है कि शुक्रवार के दिन आपको चौमुख दीपक वाले उपाय को आपको अवश्य ही करना चाहिए। इससे आपके जीवन से चारों तरफ से आने वाले संकट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि पर पितृपक्ष आरंभ होते हैं, जो आश्विन मास की अमावस्या, जिसे सर्व पितरो अमावस्या भी कहा जाता है, और उस दिन समाप्त होते हैं। इस बार पितृपक्ष 18 सितंबर से आरंभ होकर 14 अक्टूबर को समाप्त होंगे। बच्चे बड़े सभी को पितृपक्ष में कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं, ताकि वे स्वजनों के यहां जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। पितरों भाद्रपद पूर्णिमा पर पितृलोक से धरती पर आ जाते हैं और 16 दिनों तक श्राद्ध तर्पण पिंडदान ग्रहण करके सर्व पितरों अमावस्या की रात्रि को पितृलोक चले जाते हैं। इसलिए ये 16 दिन पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित होते हैं। इन 16 दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण कर्म किए जाते हैं। पितरों के लिए श्रद्धा से कुछ समर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। ये 16 दिन पितरों को प्रसन्न कर पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। शास्त्रों में पितृपक्ष के कई नियम बताए गए हैं, अगर उन नियमों का पालन ना किया जाए तो इससे पितृदोष लगता है, पितृदेव नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य करने के साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनका सेवन पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं, इसीलिए इस दौरान भोजन का विशेष महत्व होता है। इस दौरान पितरों के लिए भोजन निकाला जाता है, ब्राह्मण भोज कराया जाता है और पंच बलि भी दी जाती है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका ना तो पितृपक्ष के दौरान सेवन करना चाहिए और ना ही पितरों को या ब्राह्मणों को इन चीजों का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी सेवन नहीं करना चाहिए। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान पितरों को या ब्राह्मणों के भोजन में भूल कर भी शामिल नहीं करना चाहिए, वरना दोष लगता है। आगे बढ़ने से पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे ओम नम शिवाय। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा आपने अधिकतर यही सुना होगा कि पितृपक्ष के दौरान वही भोजन बनाए, वही भोजन का पितरों को या ब्राह्मणों को भोग लगाएं जो पितरों को पसंद था, तभी ही पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन यहां पर हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं। अधिकतर घरों में अधिकतर लोगों के पूर्वजों को लहसुन प्याज पसंद होता है, तो जब वे भोजन बनाते हैं तो उसमें प्याज और लहसुन डालते हैं और पूर्वजों के पसंद के हिसाब से भोजन बनाकर ब्राह्मणों को वो भोजन करा देते हैं, या फिर जिनके पितरों को नॉन वेज पसंद होता है तो वे नॉन वेज लेकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से दान कर देते हैं, जिससे उन्हें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो भूल कर भी ऐसी गलती आगे से ना करें। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान प्याज, लहसुन, मीट और अंडे का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए और पितरों के भोजन में भी इन चीजों का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी को पितृदेव कहा गया है। पितरों का भोजन, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान सबसे पहले भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी ही स्वीकार करती है। उसके पश्चात ये पितरों को मिलता है और भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी के पूजन में प्याज, लहसुन, मीट, अंडे का इस्तेमाल करना वर्जित बताया गया है। अगर आप पितरों के भोजन में मीट, अंडा, प्याज, लहसुन इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी उसे स्वीकार नहीं करेंगे, और जब वे पितृदेव स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे पितृ भी उस भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के निमित्त जो भोजन बनाए या ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए भी जो भोजन बनाए, वो बिना प्याज, लहसुन और मीट अंडे का बनाए, और ना ही पितरों के नाम का ऐसा भोजन आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दें।
श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों को जो भोजन बनाए वो बिना प्याज और बिना लहसुन तथा मीट अंडे का होना चाहिए। ये सभी सामग्री शुद्ध भोजन में नहीं डालना चाहिए, घोर पाप लगता है, पितृदेव क्रोधित हो जाते हैं। ध्यान रखे, पितृपक्ष के दौरान आप भी प्याज लहसुन और मीट अंडे का इस्तेमाल भूल कर भी ना करें, शराब आदि का सेवन भी ना करें। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान बासी भोजन ना करें। इन 16 दिनों में बासी भोजन शैतान को प्राप्त होता है। पितृपक्ष के दौरान ना ही बासी भोजन करना चाहिए और ना ही किसी को कराना चाहिए। कोई जरूरतमंद व्यक्ति अगर आपके द्वार पर आए तो उसे भी आप बासी भोजन ना दें। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितर किसी भी रूप में द्वार पर आ जाते हैं, और अगर ऐसे में आप पितरों को बासी भोजन दे देंगे तो इससे आपको पितृ दोष लगेगा। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, ना तो आप बासी भोजन करें और ना ही किसी को दें। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान अपने खुद के लिए वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए। इन 16 दिनों में आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं, पर अपने लिए कभी वस्त्र ना खरीदे। इस दिन नए वस्त्र खरीदना अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान पति पत्नी को दूरी बनाकर रहना चाहिए, क्योंकि इस दौरान हमारे पितृदेव हमारे घर के अंदर ही हमारे आसपास मौजूद रहते हैं, और अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे पितृ नाराज होकर चले जाएंगे। पितृपक्ष के दौरान घर में रोना नहीं चाहिए, इससे भी पितृदोष लगता है। इन 16 दिनों के अंदर खुशी खुशी पितरों का स्वागत करना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में पितरों का भोजन बनाते समय भोजन में चावल दाल या रोटी ना बनाएं। पितरों के लिए सदैव पक्का भोजन जैसे कि पूरी कचौड़ी पराठे इत्यादि आदि बनाए जाते हैं, हलवा पूरी बनाए जाते हैं, खीर आदि बनाई जाती है। पितरों को खीर बहुत पसंद आती है। खीर खाकर हमारे पितर हमें ढेरों आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दौरान आप स्वयं दाल चावल रोटी आदि खा सकते हैं, पर पितरों को ये चीजें ना दें। लेकिन याद रहे, पितरों को जो भोजन बनाए, ब्राह्मणों को जो भोजन कराए वो पक्का ही बनाए, जैसे कि खीर पूरी मूंग दाल की कचौड़ी दही जलेबी, इन चीजों को आप बना सकते हैं। लेकिन याद रहे, पितृपक्ष के दौरान घर में मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। दोस्तों, मसूर की दाल के अलावा पितृपक्ष के दौरान काले नमक काले जीरे का सेवन भी नहीं करना चाहिए, और ना ही ब्राह्मण भोजन में इन चीजों को शामिल करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान मूली लौकी खीरा और सरसों का साग ना तो खाया जाता है और ना ही खिलाया जाता है। श्राद्ध पक्ष में इन चीजों को खाना और खिलाना दोनों ही वर्जित होता है। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के भोजन में नींबू नहीं डाला जाता। आप स्वयं नींबू का सेवन कर सकते हैं, लेकिन पितरों के भोजन में ब्राह्मण भोजन में नींबू ना डालें। पितृपक्ष के दौरान कई तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती हैं, इसीलिए इस दौरान दूध दही या फिर सफेद खाद्य पदार्थ जैसे कि सफेद रंग की मिठाइयां बर्फी इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन हां, ये चीजें आप अपने घर में ही बनाकर खा सकते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान गाय के दूध का सेवन करने से बचना चाहिए, खास तौर पर वो गाय जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो। ऐसी गाय के दूध का सेवन भूल कर भी ना करें। पितृपक्ष के दौरान खीर अवश्य ही बनाई जाती है, और खीर का पितरों को ब्राह्मणों को भोग लगाया जाता है। इसीलिए आप पितृपक्ष के दौरान दूध से ही खीर बनाकर उसका भोग लगाकर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन खाली दूध का सेवन ना करें, यानी सीधे दूध का सेवन ना करें। पितृपक्ष के दौरान कढ़ी बनाना और खाना भी वर्जित होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान कुलथे की दाल का भी सेवन ना करें। दोस्तों, ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान आप पितरों के लिए जो भी भोजन बनाए उस भोजन में आप तिल अवश्य ही डालें। पितृपक्ष में जो पितरों का भोजन बनाएं, ब्राह्मणों को जो भोजन कराएं या पंचबलि लगाएं या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से भोजन दें, उस भोजन में थोड़े से काले तिल अवश्य ही डालें। शास्त्रों के अनुसार जिस भोजन में काले तिल होते हैं वो भोजन पितृ ग्रहण करते हैं, लेकिन जिस भोजन में काले तिल नहीं होते हैं उसे भूत पिशाच ग्रहण करते हैं। इसीलिए इस बात का विषय ध्यान रखें। दोस्तों, पितरों के भोजन में काले तिल डालकर ही आप पितरों को भोग लगाए काले तिल भूत पिशाचों से श्राद्ध के भोजन की रक्षा करते हैं। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान गलती से भी अपने पड़ोसियों का भोजन भी कभी नहीं खाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान उधार लिया गया पैसा अशुभ माना जाता है, इससे उल्टा कर्ज का बोझ और बढ़ जाता है। दोस्तों, पितृपक्ष में कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे हमारे पितर नाराज हो जाए।
आप थोड़े से ही प्रयास से पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे कौन से व्यंजन हैं जो आपको पितरों के लिए बनाने चाहिए? सबसे पहला है दूध और चीनी से बनी खीर। जी हाँ, पितरों के लिए अगर आप बहुत सारे व्यंजन ना बना पाए या आपकी परिस्थिति इस अनुकूल ना हो, तो पितरों की तृप्ति के लिए आपको दूध और चीनी से बनी खीर अवश्य बनानी चाहिए, जिसमें सूखे मेवे डालकर पितरों को परोसें। इस व्यंजन से उन्हें सबसे ज्यादा आनंद मिलता है और वे प्रसन्न होकर आपके द्वार से लौटते हैं। दूसरी है कद्दू की सब्जी। गरुड़ पुराण के अनुसार कद्दू की सब्जी पितरों को बहुत अधिक प्रिय होती है। कद्दू एक सात्विक व्यंजन है जो श्राद्ध प्रसाद में अक्सर परोसा जाता है। अगर आप भी श्राद्ध का भोजन बना रहे हैं तो कद्दू की सब्जी अवश्य बनाएं और पितरों का आह्वान करते हुए उन्हें अर्पण करें। तीसरा है शुद्ध घी की रोटी। जी हां, शुद्ध घी से बनी रोटी अवश्य बनाएं और अपने पितरों को याद करते हुए एक रोटी कौए को और दो छोटी रोटियां बनाकर गाय और कुत्ते को खिलाएं। इनसे पितर जिस भी रूप में धरती पर उपस्थित होंगे, वे तृप्त होकर आपको अवश्य आशीर्वाद प्रदान करेंगे।